नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। भाजपा की विकास यात्रा को कांग्रेस ने बताया निकास यात्रा। परिजनों से रुपए अटने के लिए युवक ने अपने ही अपहरण की रची साजिश। बाइक चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, बदमाशों से आधा दर्जन वाहन हुए बरामद। खबरें अब विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा नहीं बल्कि निकास यात्रा है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजन शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार षड्यंत्र करके बनी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजन शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने खुले मन से कहा कि शिवराज सिंह मंच में खड़े हो जाइए, आप अपने 15 साल के विकास को बताइए और मैं 15 माह में किए गए कामों को जनता के सामने रखता हूं। जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े जोर शोर से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। ये विकास यात्रा नहीं है, भाजपा की प्रदेश से निकास यात्रा है। भाजपा की विकास यात्रा के नाम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है। 18 वर्ष से वो मध्य प्रदेश में है, इस दौरान उन्होंने कौन से काम किए जनता को हिसाब दे। विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कर कांग्रेस की सरकार को गिराया है, वो मध्य प्रदेश की जनता का अपमान था। जिन लोगों ने उसे जनादेश को बेचने और लूटने का काम किया है बराबर के अपराधी हैं। जनता इस चुनाव में उन्हें जवाब देगी। हम भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस विकास यात्रा के दौरान बताएं उन्होंने क्या किया है। कमलनाथ ने खुले मन से चुनौती दी हिसाब देने के लिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता व रीवा महापौर अजय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी हाल में हुए भारतीय जनता पार्टी के महिला सम्मेलन में उस कार्यक्रम में शहर के वार्डों से भीड़ इकट्ठी करके ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सतना में 24 फरवरी को फिर एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें रीवा से 20,000 लोगों को टारगेट किया गया है, लेकिन पर्याप्त बस न मिलने के कारण RTO जबरदस्ती स्कूल की बसों को ले रहा है जबकि छात्रों का पेपर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल विकास पुरुष कहलाते हैं जबकि आज भी वार्डों में सड़क और नाली नहीं है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के रीवा संभाग प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने दिया नारा, अब की बार 200 पार कांग्रेस की बनेगी सरकार। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े जोर शोर से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही, यह विकास यात्रा नहीं है साथी, यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश से निकास यात्रा है और इसके बाद ये 2024 में इस देश से निकास यात्रा बनेगी। ये हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। कमलनाथ जी खुले मन से चुनौती देते हैं कि 15 महीने में उन्होंने क्या किया और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 15 साल में क्या किया, पर इसका जवाब उनके पास नहीं है। आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, 2023 के चुनाव के पहले इस सरकार को अपना हिसाब देना चाहिए। घोटाले की सरकार अब नहीं चलेगी, भ्रष्ट आचरण से बनी हुई सरकार नहीं चलेगी और अब की बार कांग्रेस सरकार अब की बार 200 पार वो नहीं करेंगे, हम करेंगे 200 पार। ये हमारी आज की कंक्लूडिंग लाइन है। पाए गए हैं 24 तारीख को सतना में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए रीवा से 20,000 लोगों का ले जाने का टारगेट दिया गया है। अब 20,000 आदमियों को ले जाने के लिए बसों की आवश्यकता है और लगन के कारण बसें नहीं मिल रही हैं। स्कूलों में परीक्षाएं चालू हो गई हैं, सारे स्कूलों में जा जाकर RTO दबिश देकर उनसे बसें ले रहे हैं। कई स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं, उनके पास हमारे कल उनका फ़ोन हमारे पास आया, हमने कलेक्टर रीवा से बात की, उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। हमने ये बोला कि स्कूलों में परीक्षाएं चालू हैं, दूर दूर गांवों में जो स्कूलें खुली हैं उनकी भी बसें ली जा रही, वो 10-10 12-12 किलोमीटर से उनके विद्यार्थी आते हैं। वो ये बोले कि अगर ये परीक्षा का सीजन ना होता तो हम एक बार बस देने के लिए तैयार थे, पर परीक्षा के समय हमसे जोर जबरदस्ती करके बसें ली जा रही हैं। परिजनों से रुपए अटने के लिए एक युवक ने अपने ही अपहरण की रची साजिश। अपहरण की साजिश में उसके दोस्त भी बना भागीदार। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर युवक को किया बरामद। आपको बता दें कि अपहरण की इस घटना में तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय हो गई और युवक को 3 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। घटना बैकुंठपुर थाने के सलैया मोड़ की है।
रोहित कुशवाहा 21 वर्ष निवासी रौरा थाना बैकुंठपुर ने अपने अपहरण की साजिश रची थी। उसके दोस्त ने मंगलवार की शाम को डायल 100 में जानकारी दी कि वो रोहित कुशवाहा के साथ रीवा दूध पहुंचाने जा रहा था। सलैया मोड़ के पास काले रंग की कार में सवार होकर 4-5 लोग आए और मारपीट कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। उसके कुछ देर बाद ही परिजनों को मोबाइल फोन कर अपहरणकर्ताओं ने 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम सक्रिय हो गई। एसपी नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर साइबर सेल को भी उसका पता लगाने के लिए निर्देश दिए। पुलिस ने हर संभावित ठिकानों में उनकी तलाश की। 3 घंटे बाद युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। युवक के मिलने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली। उससे अब पूरे घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि युवक ने दोस्त के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। अपहरण की सूचना पुलिस को देने के बाद वह दूसरे वाहन से उमरी मोड़ पहुंचा, जहां उसने फोन कर एक रिश्तेदार को बुलाया। रिश्तेदार के साथ वह उमरी मोड़ में झाड़ियों में छिपकर बैठा था। परिजनों को फिरौती के लिए फोन भी उसने खुद ही आवाज बदल कर किया था। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। युवक को रुपए की आवश्यकता थी। परिजनों से रुपए निकालने के लिए उसने अपहरण की रची साजिश। एक टीवी चैनल में उसने इस तरह की घटना देखी थी और उसी तरह उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची, लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालाकी अधिक समय तक नहीं टिक पाई। मीडिया को जानकारी देते हुए डीआईजी नवनीत भसीन ने बताया कि युवक के अपहरण की सूचना मिली थी। तत्काल टीमें गठित कर उसकी तलाश में लगाई गईं। युवक उमरी मोड़ के पास सकुशल बरामद हो गया। उसने खुद ही अपने अपहरण की कहानी रची थी और परिजनों से 50,000 रुपए फिरौती के रूप मांगे थे। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है डीआईजी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। शाम को कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई किडनैपिंग की। जब उसका परीक्षण करने के लिए 3-4 थाना प्रभारियों ने एक्टिवली काम शुरू किया, साइबर सेल ने उनको कोऑपरेट किया और उस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी शीघ्रता से काम करते हुए ये आइडेंटिफाइड किया कि वो घटना मूलतः किडनैपिंग की ना होकर दो भाइयों द्वारा एक प्लान किया हुआ प्रयास था, जिसमें उनके रीज़न अभी क्लियर नहीं है। उनको किस कारण से पैसे की आवश्यकता थी, उन लोगों ने इस प्रकार का क्यों अभी प्लान किया, तो भी उनसे पूछताछ की गई है और उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, परंतु वो घटना सत्य नहीं निकली और उनके द्वारा किया गया पूरा एक प्लान प्रकट हुआ, जिसको काफ़ी तेज़ी से जो हमारे आसपास के थानों की टीम ने ट्रैक कर लिया। सर, ये अपनी जो साजिश रची गई थी, दोनों भाई ने मिलकर रची कि एक ही अपनी? जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी उन्होंने जो पूछताछ हुई है उसमें एक अपना पक्ष रखा है और उसमें कितनी सच्चाई है जानने के लिए अभी क्रॉस चेक किया जा रहा है, परंतु ये तो क्लियर हो गया है कि कोई किडनैपिंग की घटना ऐसी नहीं हुई। नशे के खिलाफ पुलिस का प्रहार। यूपी की कार से हो रही थी तस्करी। पुलिस ने घेराबंदी कर 960 सीसी नशीली कफ सिरप सहित दो तस्करों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि डीआईजी नवनीत भसीन को मिली मुखबिर से सूचना के बाद एक बार फिर रीवा के रायपुर करचुलियान पुलिस ने नशे पर प्रहार करते हुए नशीली कफ सिरप की खेप सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में कार में लोड नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के दौरान रीवा के कई अन्य तस्करों के नाम भी बताए। इस पूरी कार्यवाही को लेकर डीआईजी नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती देर रात मुखबिर से उन्हें सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की कार जो यूपी से रीवा की ओर आ रही है, जिसमें बोरियों के अंदर नशीली कफ सिरप की खेप लोड कराई गई है, जिसके बाद डीआईजी नवनीत भसीन ने तत्काल रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव, उप निरीक्षक शिखा पाठक के नेतृत्व में टीमें गठित कर कार की घेराबंदी कर रोकने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस टीम ने नशे के कारोबारियों को पकड़ने के लिए रायपुर करचुलियान स्थित जोगनिहाई टोल प्लाजा के पास जाल बिछाया। इस बीच पुलिस की घेराबंदी देखकर नशे के कारोबारी कार लेकर भागने का प्रयास करने लगे और कार टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई। पुलिस ने कार छोड़कर भाग रहे तस्कर दिवाकर नामदेव निवासी ग्राम डिहिया थाना बैकुंठपुर हाल मुकाम चिरौला मंदिर के समीप सहित एक नाबालिग किशोर को पकड़ लिया, जबकि कार की ली गई तलाशी के दौरान बोरियों में पैक 960 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि आरोपियों के पूछताछ के दौरान कई अन्य तस्करों के भी नाम बताए हैं, जिनके संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। नशे की खेप दोनों तस्करों द्वारा रीवा शहर ले जाई जा रही थी, जिसे यूपी से लाया गया था। फिलहाल दोनों तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। प्रस्तुत है डीआईजी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये
और एक पकड़ाई है रायपुर कचरिया में, कहाँ से क्या पूरी आ रही थी क्या? नशे के विरुद्ध अभियान के तहत रायपुर थाना ने एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और उसमें दो लोग पकड़े गए हैं। इसमें 960 बोतल कोरेक्स की मात्रा पकड़ी गई है। अभी अपराध पंजीबद्ध करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जानकारी ली जा रही है गाड़ी के विषय में, और जो कोरेक्स है उसमें बैच नंबर को आइडेंटिफाई करके उसका ट्रेल पूरा ट्रेस किया जा रहा है, जिससे कि जो हमने अभियान में अपना नया पार्ट शुरू किया है कि उसको पूरे चेन को आगे तक कवर करें, जिससे कि उस पर चेक लग सके। उस प्रक्रिया में हमारी टीम अभी कार्रवाई कर रही है। प्रेमिका को वीडियो कॉलिंग कर एक युवक ने अपने किराए के मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब तक प्रेमिका उसके घर पहुंचती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। आपको बता दें कि घटना मनगवा कस्बे की है, जहां किराए के मकान में रहने वाले आशीष कुमार साकेत उम्र 22 वर्ष निवासी मिसिरगवा हाल मुकाम मनगवा ने प्रेमिका को वीडियो कॉलिंग कर अपने किराए के मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब तक प्रेमिका उसके घर पहुंचती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। बताया गया है कि युवक ने प्रेमिका को वीडियो कॉल करके उसके सामने ही रस्सी बांधी। युवती उसको ऐसा करने से रोक रही थी लेकिन युवक नहीं माना। अनहोनी की आशंका पर युवती उसके किराए के मकान में पहुंची, जहां वो फंदे पर लटक रहा था। उसने तत्काल युवक को रस्सी काट कर नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीन ऑफ क्राइम यूनिट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RP शुक्ला ने भी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। थाना प्रभारी JP पटेल ने बताया कि मर्म कायम कर घटना की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएगा उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है घटना के संबंध में DIG नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। युवक के द्वारा फांसी का मामला आया मनगवा से, पूरा क्या है? मनगवा थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक के द्वारा फांसी लगाने की घटना कल प्रकाश में आई थी। अभी जो घटनाक्रम की प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता था। अब शादी करने के दौरान जो भी उनके पारिवारिक समस्याएं थी जिस पक्ष की तरफ से, वो भी कारण पूरा ज्ञात नहीं है। अभी शव का PM कराया गया है और मर्ग जांच जारी है। जो भी उसमें एविडेंसेस आएंगे उसके अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कहाँ का रहने वाला था? ये एक मनगवा के पास गांव का रहने वाला है। शादियों में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करता था और यहाँ किराए के मकान में निवास करता था। वीडियो कॉल में जानकारी मिली थी आपको? ऐसी भी जानकारी मिली है कि घटना के पूर्व उसने जो लड़की है जिससे विवाह का इच्छुक था उसको वीडियो कॉल करके बताने का प्रयास किया था कि मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। अभी पूरी पड़ताल का विषय है, जांच का विषय है कि उस दौरान फिर आगे किसने रोकने का प्रयास किया या जो भी अन्य घटनाक्रम हुआ वो जांच में आएगा। शहर के भीतर बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ाने वाले शातिर बदमाशों की गैंग को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों से आधा दर्जन वाहन बरामद हुए हैं। आरोपियों की अन्य घटनाओं में भूमिका की हो रही है जांच। आपको बता दें कि शहर में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही थी। सिविल लाइन पुलिस के राडार पर दो संदिग्ध फंस गए जिनकी कई घटनाओं में भूमिका सामने आ रही है। संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शहर के भीतर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिव कुमार उर्फ कन्हैया यादव, पिता कामता प्रसाद यादव 25 वर्ष निवासी डीहिया नरसिंहपुर थाना गोविंदगढ़, धर्मेंद्र वर्मा उर्फ अतुल पिता कामता प्रसाद 21 वर्ष निवासी भनीगवां थाना जवाहाल मुकाम चिरौला मंदिर के रूप में की गई है। आरोपियों ने आधा दर्जन वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है, जो उन्होंने अलग अलग स्थानों में छिपाकर रखी थी। पुलिस ने 6 वाहन उनके कब्जे से बरामद किए हैं, जिसे आरोपियों ने शिल्पी प्लाजा न्यायालय परिसर व अमैया क्षेत्र से चोरी किया था। उनकी वाहन चोरी की दूसरी घटनाओं में भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी काफी समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उनके संबंध में दूसरे थानों की पुलिस भी जांच कर रही है। प्रस्तुत है सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। बाइक चोरी बरामद हुई है, क्या पूरा मामला कैसे? मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ी के चोर सक्रिय हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन की जानकारी मिली थी। उस आधार पर आरोपियों को पकड़ करके जब पूछताछ की गई तो उनके कब्जे से अब तक 6 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं। आरोपियों को धारा 379 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
जो गाड़ियां बरामद हुई हैं तो सिविल लाइन में कोतवाली और अन्य जगहों पर इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं। अभी इस बात की जानकारी ली जा रही कि अन्य कितनी गाड़ियां इनके कब्जे में हैं, कितनी गाड़ियों में इन्वॉल्व हैं, इस संबंध में आगे भी जांच की जा रही है। कहां से बरामद छिपाए? ये अपने कुछ लोग दुकान का संचालन भी करते हैं, कुछ अपने घरों पर रखे हुए थे। कितने आरोपी गिरफ्तार? अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। इसमें एक आरोपी को और भी कब्जे में अभी लिया गया है। इसमें एक शिव कुमार यादव है और एक धर्मेंद्र वर्मा है। कहाँ के रहने वाले? ये एक रहने वाला है अपना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है और एक चिरहुला मंदिर के पास रहता है। पचमठा मंदिर पहुंची नगर निगम की विकास यात्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल हुए कार्यक्रम में शामिल। बोले, हर वर्ग का ख्याल रख रही है भाजपा सरकार। लाडली लक्ष्मी योजना से बढ़ी लड़कियों की संख्या। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 33, 34 एवं 35 अंतर्गत झंडा परमिट से पचमठा मंदिर तक विकास यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ भी प्रदान किए। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, निगम आयुक्त संस्कृति जैन एवं अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ल मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। मुख्यमंत्री द्वारा नई नीति बनाई गई है जिसमें मध्य प्रदेश में शराब के अहाते बंद किए जा रहे हैं, नई दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये नीति 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। इस नीति से प्रदेश में खुशी की लहर है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अहाते बंद होने से अब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने एक नई योजना लाडली बहना योजना चालू की है जिसमें 1,000 रुपये हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण हमारे प्रदेश में जो लड़कियों की संख्या कम थी वो अब बढ़ गई है। इन योजनाओं से हर जगह कहीं न कहीं उसका लाभ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बहनों को उनके खाते में सीधे हर माह पैसा डालेगी। हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं जिससे सभी कार्डधारी लोगों को हर जगह अस्पताल में 5,00,000 रुपए तक का इलाज निःशुल्क हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शहर में जो कच्चे घर थे, जिनके घरों में छत नहीं थी, उन्हें 2,50,000 रुपए देकर चेहरे पर उनके मुस्कान लाई गई है। गरीबों को निःशुल्क अनाज दिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं का लाभ विकास यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। 25 फरवरी तक विकास यात्रा चलनी है, तो जो बचे हुए दिन है उसमें ग्रामीण क्षेत्र, रीवा विधानसभा का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कल से शुरू होगा। और कुल मिला के इस विकास यात्रा से ये फायदा हुआ है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जो आवेदन लिए गए थे उसके निराकरण बड़ी तेज़ी से हुए हैं। चाहे वो संबल योजना का रहा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का रहा हो, चाहे पट्टा देने का रहा हो, चाहे अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की बात रही हो, बड़ी मात्रा में पात्रता पर्ची से लेके और पीएम स्वनिधि योजना से लेके प्रकरण स्वीकृत हुए हैं और जनता को बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हुआ है। सरकार ने हाथा बंद करने की पिछले शुरुआत की है। कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है कि जो आहाते हैं शराब की दुकानों के साथ लगे हुए, वहाँ लोग बैठ के जब पीते हैं तो एक अराजकता का वातावरण तैयार होता है, तो एक ही झटके में सारे आहतों को समाप्त कर दिया है। यदि किसी को ज़रूरत है तो दुकान से ले जाके अपने घर में उसका उपयोग करें, लेकिन इस प्रकार के खुलेआम आहाते में बैठ के पीने से जो वातावरण खराब होता था, खासतौर से माताओं बहनों को जो परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने यहाँ पर आकर आभार व्यक्त किया है, स्वप्रेरित होकर धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री को और सरकार को कि आहाते बंद करने का जो निर्णय लिया है वो वास्तव में उसका बड़ी संख्या में स्वागत हुआ। आने वाले समय में शराबबंदी का भी विचार रखा जाएगा सरकार? आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, उसको तो अपन मान के चलेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।